बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बाबा के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खूब खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खूब खुश रहिए। माँ के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए। बाबा जी, MDNA में नौ हवन तक तो चार लोग, पांच लोग थे कुल, लेकिन बच्चे, परिवार के लोग नहीं माने तो हमको अकेले यात्रा करनी पड़ती। हर महीने आती हूँ। साल 12 महीने हो गए, नौ हवन किया, सब कुछ किया, फिर अभी पूरा हुआ कि वन डे भी कल किया। बाबा जी, एक बात पूछना है। तो अब की बार कई लोग रखे हो DNA में? हम अकेले हो। क्या बात, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। यही होना चाहिए। आंखें बंद करो जरा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। ना माने के तो अलग हटो। तुम ठीक हो तो ठीक बने रहो, हमें तो ठीक के तो होने दो। ओम, अकेले किया जाए DNA गुड़ जाओ तो बिल्कुल। ओम शिव, तोड़ दिया जाए DNA गुड़ जाओ सबको। शिव, तोड़ के अलग किया जाए सब, कोई जुड़े ना पाए, इनकी भावनाओं से भी ना जुड़े ना पाए। बैलेंस, शुद्धि, इनको दरबार की ओर से किसी महावन के पुण्य का अनुसंधान किया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। सुश्रुत बाहर, स्वस्थ कर दिया जाए। त्वरित बाहर, सभी गंदगी नष्ट कर दिया। सात बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अपना बंधन खींच लीजिए सात बार ओम नमः शिवाय बोल के। गहरे से गुरु जी, थोड़ा सा हम कुछ बात और करना चाहते हैं। नष्ट करके सेव पाओ खिला दे। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए, उत्साह उमंग की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। आगे रहे तो सक्रिय रहे, पीछे रहे तब भी सक्रिय रहे। बैलेंस। गुरु जी हाँ बताइए, थोड़ा सा हम कुछ बात करना चाहते हैं। अरे खूब बात करेंगे आपसे, आप बताइए। हाँ गुरु जी, आज हम बहुत बात करना चाहते हैं। आज हम बहुत खुश थे, सुबह से बहुत हल्के थे। हाँ बिल्कुल, और अब आप पूरा खुश रहेंगे। गुरु जी 15 दिन से जब से ये मरपक लगा था तब से हम बहुत परेशान हो गए थे। हमारे गांठों में सूजन आ गई थी और इतनी तकलीफ हुई तो हम कैसे दरबार आते, और न इतना पैसा रहता है हमारे पास। तुम्हारी इतनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास तो मैं अंदर से, लेकिन घर वाले नहीं स्वस्थ होने देते। तो गुरु जी फिर डॉक्टर के पास गए। हाँ। तो डॉक्टर से दवा लिए तो सूजन कम हुई, लेकिन दर्द रहा। और कल हवन के बाद से आज सुबह से मैं बिल्कुल जैसे लग रहा कुछ नहीं है। अब आप बच्चों की तरह बन गई, जरा उठ बैठ के देखो जरा। और गुरु जी अभी हम बात करेंगे, आज नहीं, बात हम करेंगे, आप उठ बैठ के देखिए पहले, चेक करिए। गुरु जी आज तीसरी बार हम आ रहे हैं, एक बार कुछ रो के चले गए, दूसरी बार थोड़ा बात हुई, आज हम अच्छे से करेंगे। कर तो दीजिए गुरु जी। गुरु जी हमारे पति को अब की 5वां साल शांत हुए, 5वां साल लगा है। अच्छा। तो उनकी तेरही बरखी सब हो गई, तो अब हम लोगों के यहाँ जो शुरू से चला है कि वो क्या कहते हैं, छिया एक पिंडा उंडा पारा जाता है और पितृमिलौनी होती है, तो अब हम हमको बताइए कि ये करना चाहिए कि नहीं। क्या करती हैं वो जो मतलब पितरों को मिलाते हैं ना पितरों में? नहीं पितर तो है ही नहीं, पितर तो मिल के चले गए। अच्छा, गए पितर, तो अब हमको कुछ उनके लिए नहीं ना, कुछ नहीं। अब आप आनंद में, पितर भी आनंद में, वो भी गए। हाँ, मुक्ति हुई उनकी जी। आपके जो पितर रहे हैं जी, आपके सामने भी कई लोग शरीर छोड़े होंगे जी, उनको भी अगर आप आंख बंद करके देखेंगे तो उनका चेहरा नहीं दिखेगा। अब आपको करके देख लीजिए। नहीं दिखता गुरु जी, हमें विश्वास है। यही मुक्ति का प्रमाण है, मुक्त हो गए सब। गए जब है ही नहीं कोई, तो किसके लिए क्या करोगे, कहाँ मिलाओगे उसको। हाँ जी गुरु जी, हमारी आँख का ऑपरेशन भी यही हुआ, और यहाँ जाने के बाद हमको तकलीफ बढ़ी तो यहीं से दवा ले जाते थे, वही डालते थे। अब इस बार लेना चाहे तो शीशी नहीं, हम नहीं जानते थे नहीं शीशी लाते, तो कभी कभी हमारे आँख से ऐसे जैसे बल्ब फ्यूज होता है, रोशनी निकलती धीमा तेज होता, वैसे होता है
आप लेपन करिएगा सिर पर और नाभि पर। अच्छा जी, जी। तो पेट भी आपका अच्छा रहे, सब नसनाड़ियों की सूजन आपकी जाए। हाँ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए जी, ठीक है। एकदम आप अच्छी हैं, आपको महावन का पुण्य दिया अभी हमने जी। तो अभी आप यहाँ रेलिंग के पास जब संकल्प होगा, जो महावन करके लोग बैठे हैं अभी, उनका संकल्प होगा अभी रेलिंग के पास, तो आप भी रेलिंग पकड़ के खड़ी हो जाएंगे, तो हम जो संकल्प कराएंगे कर लेना, तो जो असाध्य स्मृतियां वो भी नष्ट हो जाए। देखो आपको क्या क्या नष्ट हुआ, पहले सुनो जी। एक मिनट और हमारा सुन लीजिए, एक क्वेश्चन बस। गुरु जी आज हम बहुत बात करना चाहते थे। करिए करिए करिए, हम रात भर बैठे हैं आपके लिए, चिंता ना करो। तो गुरु जी भूल भी जाते हैं बहुत। गुरु जी मैं माँ हूँ ना, दो बच्चे हैं, तो माँ तो बच्चों के लिए यही सब दौड़ती है करती और क्या है ना? तो माँ की तड़पन को माँ ही जानती है, दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो माँ की तड़पन को जान जाए। तो बच्चे क्यों नहीं मानते? बच्चों को तड़पन जब होगी, जब वो माँ बाप बनते हैं, जब बच्चे उनके तड़पाते हैं, तब उनको तड़पन समझ में आती है। अभी आने टाइम हमने बेटे से कहा, चलो जो तुम्हारा ये करवाओगे सब उसमें टेस्ट, गुरुजी लिखते नहीं है, लिखा हुआ रखा रहता है, तुम वहाँ चलो और तुम्हारा है सारी मशीन फेल, डॉक्टर फेल, हमारे गुरुजी नंबर वन। तो क्यों नहीं मानते हमारा कहना? मानेंगे, वो मानेंगे, चिंता नहीं करो। बस आप यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सम्मान, हाँ, घर में बड़े लोग मेरी बातों को माने, क्योंकि वो मेरा खाते हैं। जब आप ऐसे ऐसे घूमेंगे ना घर में फर्स्ट क्लास, हंसते हुए गुनगुनाते हुए, ये सब कहेंगे ये क्या हो गया अम्मा को, अम्मा कैसे बिल्कुल घूम रही है। आप हमारे पीछे हमारे सर पे हाथ रख दीजिए कि हमारा कहना सम्मान है। दोनों हाथ है तुम्हारे सिर पे, बाबा का और माँ का भी। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अकेले आने जाने में कष्ट है, यहाँ गद्दा भी नहीं मिलता हमको। आप चिंता नहीं करो, कोई कष्ट नहीं रहेगा आपको, कोई कष्ट ही नहीं है। आप चल फिर के उठ बैठ के देख लो, कोई कष्ट है ही नहीं। चलो फिर चेक कर लो, चेक करो अपने आप को, चेक करो। चलिए फिर बैठिए, उठिए। अब आप बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए ऐसे, हाँ, कुछ नहीं बचा। जैसे बच्चे होते वैसे बन गई हो तुम। कोट कोट प्रणाम गुरुजी। और इतने कष्ट देखो, तुम्हारे सब दरबार ने हटाए, देखो ये सब नष्ट किए। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, रक्त दूषित हो रहा था, कमर में दर्द होना, भूख कम लगना, आंखों में खुजली, जलन, चुभन होना, सूजन थी आंखों में, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, कूल्हे में सड़न हो रही थी, ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियाँ थी, शरीर में जल बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन गए थे, फ्रोजन शोल्डर था, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क में सुनपन आ रहा था, लीवर में सड़न थी, गॉल ब्लैडर में सड़न थी, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी में सड़न और गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, आँखों में, लंग्स में, ब्रेस्ट में, श्वास नली में, लिम्फैटिक में और आंतों में। ये सब कष्ट तुम्हारे सब गए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक प्रश्न और करेंगे आपसे, बस बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं भावुकता में क्या कहने जा रहे थे। हाँ गुरुजी, कल जब मैं हवन कर रही थी तो हमारे जेठ का लड़का खत्म हुआ है सल्फास का, वो मुझको हवन के पूरे टाइम मेरे सामने ऐसे दिख रहा था। सब मुक्ति मांग रहे हैं। और गुरुजी यहाँ आरती में भी हम कभी खड़े होकर आरती नहीं कर पाए बैठ के, लेकिन कल मैं पूरे टाइम खड़ी रही और उस समय हमारे ऊपर जैसे कोई छींटा बर्फ का मार देता है, ये ऐसा क्यों होता है, अक्सर होता है? अभी सब गया, जैसे वो बार बार लड़का सामने आ रहा था हवन के टाइम में जी। अब आँख बंद करके देखो, अब नहीं दिखेगा, अब आप सील हो गई चारों ओर से, देखिए। देखिए उसको जो सल्फास खा के मरा, उसका चेहरा देखिए, अब दिखता है, हल्का सा आ जाता है, स्मृति बनी है, आप उसको हटा। चेहरा देखिए, चेहरा, हम चेहरा देखने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ लग जाता है गुरुजी कि चेहरा ऐसे लग जाता नहीं, हो तो बताइए, हमें दो मिनट लगेगा। नहीं गुरुजी आप देख लीजिए, हमको उसका दिखाई पड़ता हमको उसका चेहरा मुस्कुराते हुए। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम देखने की बात कह रहे हैं, सोचने की नहीं। हाँ। चेहरा देखने की बात कर रहे हैं उसका। देख तो रहे हैं लेकिन दिखाई पड़ता है।
लेकिन देख तो रहे लेकिन दिखाई, लेकिन का मतलब कि वो दिख रहा है हमको सफेद कुर्ते में। और क्या देख रहे हैं आप? उसी लड़के को चेहरा देख रहे हैं? चेहरा देखने की बात कर रहे हैं? उसी का कुर्ता नहीं, नहीं उसी का चेहरा देख रहे हैं। आंखें बंद करो, इनका भ्रम नष्ट किया जाए। प्राण आंख खोलिए, आप देखिए। अब नहीं दिख रहा है गुरु जी। ठीक है, बस यही हम चाहते थे कि ना दिखे, क्योंकि कल मैं हवन के खूब खुश। अभी संकल्प कर लेना, अच्छा खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए।